Hello students, good morning. Welcome to Essay Sonic classes. Students, we were reading chapter 9, Mom Orbit of our English literature book as FISASTA. Students, in our last video, our topics were our first number topic was about satellite, and students, our second number topic was summary of first to third number standards of the chapter in Mom Orbit. So, students, including these topics, we have read about India, and we have also read and explained summary of first to third number standards, which will be number 79 of the chapter in Mom Orbit. And students, today's our topic is summary of page number 80 of the chapter in mom in Orbit. So, students, included this topic, today we are going to read and explain summary of page number 80 of the chapter in mom Orbit in our today's class. Okay. So, all students, please press partial in class and listen to my words clearly because today we are going to continue this chapter 9, mom in Orbit. Okay. So, all students, open page number 80 in your English literature book as we the Students, we can see in these images scientists, planets, satellites, space, rockets, earth. एंड पीपल ओके ओके तो किस तरह से मार्स के ऑर्बिट में इंडिया ने सेटेलाइट भेजी उसकी पूरी थ्यूरी हम इन, इन स्टैंडर्स में रीड करेंगे ओकेटिस्ट एट इसरो अगेंस्ट टू कम्प्लीट एंड इम्पोर्टेंट मिशन दे वॉन्टेड टू सेंड अटेलाइट इन टू ऑर्बिट अराउंड मार्स ओके तो थर्टीन में साइंटिस्ट की एक टीम इसरो में उस समय इस वो तो महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने के लिए कार्य कर रही थी इस द फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इट्स मीन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ओके तो 2013 में वैज्ञानिकों की एक टीम इसरो में इट्स मीन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में उस समय इस महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने के लिए कार्य कर रही थी हम वे इस मिशन को पूरा करना चाहते थे वे चाहते थे कि मार्स प्लानिट इट्स मिन मंगल ग्रह के चारों जो ऑर्बिट है उसमें सैटेलाइट भेजा जाए ओके नोबडी इन इंडिया हैड एवर ट्राइड सच अ थिंग बिफोर ओके तो किसी ने भी भारत में इससे पहले इस तरह के कार्य को करने की कोशिश नहीं की थी ओके okay. तो कभी भी भारत में इससे पहले इस तरह के कार्य को करने की कोशिश किसी ने भी नहीं की थी ओके इन एटीन मंथ अर्थ वी कैन सी इन दिस इमेज ओके जो साइंटिस्ट है ओके okay. और इस मिशन को पूरा करने के लिए वर्क कर रहे हैं ओके लेट्स सी इन एट्टीन मंथ्स अर्थ एंड मार्स वुड कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एज दे ऑर्बिटेड द सन ओके तो स्टूडेंट्स अट्ठारह महीनों में अर्थ एंड मार्स पृथ्वी और मंगल के एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं जब वे सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं इट्स मीन कि जब अर्थ और मार्स दोनों सन इट्स मीन सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो वे अट्ठारह महीनों में काफ़ी पास आ जाते हैं okay. ओके द साइंटिस्ट वॉन्टेड टू सेंड द सेटेलाइट इन टू स्पेस दैन बिकॉज इट वुड नीड लेस एनर्जी ओके तो जो साइंटिस्ट थे वैज्ञानिक थे तो जब मार्स और अर्थ के बीच की दूरी कम होगी ओके okay, तो उस समय सेटेलाइट को स्पेस में भेजना चाहते थे तो वैज्ञानिक चाहते थे कि जब मार्स और अर्थ के बीच की दूरी कम हो ओके okay, क्योंकि जब दोनों ही सन का राउंड एंड राउंड चक्कर लगाएंगे तो दोनों के बीच की दूरी जब अट्ठारह महीनों में कम होगी तो उसी टाइम वैज्ञानिक सैटेलाइट को स्पेस में अंतरिक्ष में भेजना चाहते थे क्योंकि उस समय सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए हमारी कम एनर्जी वेस्ट होगी ओके हमारी कम ऊर्जा लगेगी ओके तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है हमारी पृथ्वी है वो आ, सन का राउंड एंड राउंड चक्कर लगा रही है ओके सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है और जो मार्स है ओके जो मार्स प्लैनेट है मंगल ग्रह है वो भी और सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ओके okay, तो 18 महीने में एट्टीन मंथ्स में क्या होता है कि जो अर्थ होती है और जो मार्स प्लानट होता है वो दोनों इतने थोड़े सा करीब आ जाते हैं थोड़े से पास में आ जाते हैं तो उस टाइम अगर हम सेटेलाइट को लॉन्च करेंगे स्पेस से बाहर निकालेंगे ओके okay, मार्स में भेजेंगे तो हमारी जो एनर्जी होगी वो कम वेस्ट होगी हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी ओके okay, तो सैटेलाइट इसीलिए उस टाइम सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते थे सैटेलाइट को स्पेस में भेजना चाहते थे ओके एंड इसका रीजन यही था कि उस टाइम अगर भेजेंगे तो कम एनर्जी वेस्ट होगी वंस लॉन्च द सैटेलाइट वुड एंटर मार्स ऑर्बिट इट वुड देन सेंड द साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्स सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ओके तो इट्स मीन कि एक बार जब सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा ओके okay. एक बार जब सैटेलाइट मार्स के अंदर एंटर हो जाएगा प्रवेश कर जाएगा तो फिर वैज्ञानिकों को भेजा जाएगा ओके okay. ताकि वहाँ के महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल सके मार्स के बारे में वहाँ के सरफेस सतह के बारे में और वहाँ के एटमोसफियर इट्स इन वातावरण के बारे में ओके ताकि हमें वहाँ की इन्फॉर्मेशन मिल सके ओके स्टूडेंट्स आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क बैड वेदर डिलेट द लॉन्च बाई फाइव डेज एवरी वन वॉज़ वेरी नर्वस इन डिट ओके तो बहुत सारे महीनों की हार्डवर्क इट्स मेहनत के द्वारा या बहुत सारे महीनों आ, के हार्डवर्क के बाद ओके चूँकि स्टेंट्स वेदर इज़ वेरी बैड डैट टाइम उस समय मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था इसलिए फाइव डेज के डिले के बाद उस सैटेलाइट को रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया इट्स मीन स्पेस में भेजा गया ओके एवरी वन वॉज वेरी नर्वस इंडियट उस टाइम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे बहुत ही ज़्यादा घबराए और चिंतित थे लेट्स नेक्स्ट फाइव नवंबर टू थाउजेंड थर्टीन थैंकफुली इट वॉज अ सक्सेस ओके वाट वॉज डेट क्या तारीख थी फाइव नवंबर टू थाउजेंड थर्टीन पांच नवंबर दो हजार तेरह को पृथ्वी से सैटेलाइट को रॉकेट की सहायता से भेजा गया ओके स्टूडेंट्स बट देयर वर्क वॉज नॉट डन इट लेकिन अभी भी उनका कार्य पूरा नहीं हुआ था ओके द सेटेलाइट इंजर्न वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक इट आउट ऑफ अर्थस ऑर्बिट ये हैव टू कम अपू जनरेट अ लॉट ऑफ स्पीड फास्ट ओके तो अभी भी उनका कार्य पूरा नहीं हुआ था क्योंकि जो सैटेलाइट का इंजन था वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वे अर्थ के ऑर्बिट से सैटेलाइट को बाहर निकाल पाता उन्होंने उसकी गति को बहुत अधिक तेज करने के लिए एक तरीका निकाला ओके okay. तो सैटेलाइट का जो इंजन था वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो अर्थ के ऑर्बिट से सेटेलाइट को बाहर निकाल पाता ओके okay. तब इन्होंने क्या रास्ता निकाला लेट सी सो दे

उसने उस सेटेलाइटें घूम घूम कर अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा लिया ओके okay. फिर उन्होंने इस इंजन की, की सहायता से सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर फेंका ओके इट्स मीन कि अब इंजन की स्पीड इतनी फास्ट हो गई थी उसकी गति इतनी तेज हो गई थी कि वो कि वो सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकाल सके सी okay. नेक्स्ट so, uh, द टेक्निक दे यूज इज़ अ लॉट लाइक वेन यू टाई अ बॉल टू अ पीस ऑफ ऑफ स्ट्रिंग एंड रोटेटेड ओवर योर हैडिल इट यू लीड इनफ एनर्जी टू फ्लाई आउट ऑफ योर हैंड विथ ग्रेट स्पीड ओके तो ये जो टेक्निक है ये जो तकनीक ये इस तरह की होती है कि अगर आप किसी बॉल को ओके okay, अगर आप किसी बॉल को स्ट्रिंग से इट्स बीन किसी रस्सी से बांध के राउंड एंड राउंड चारों तरफ घुमाते रहेंगे और इतना घुमाएंगे अपने हेड के ऊपर से कि मतलब उसकी जो स्पीड इतनी तेज़ हो जाए कि ऐसा लगे कि वो फ्लाई कर रही ओके okay. कि आपका हैंड जो है वो फ्लाई कर रहा है उड़ रहा है ओके okay. तो बार बार घुमाएंगे उसे रोटेट करेंगे तो उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाएगी बहुत ही तेज़ हो जाएगी और जब आप उसे थ्रो करेंगे ना तो वो बहुत दूर तक जाएगी ओके okay. तो स्टेंट्स यू कैन ट्राई इट इन योर होम बट प्लीज़ बी केयरफुली डोंट हर्ट योर सेल्फ और डू इट ओके तो स्टेंट्स लेट्स सी नेक्स्ट और द नेक्स्ट ऑब्स्टिकल दी साइंटिस्ट फेस्ड वॉज गेटिंग द सेटेलाइट इन टू मार्स ऑर्बिट ओके अब जो ऑब्स्टिकल इट्स मीन द मीनिंग ऑफ ऑब्स्टिकल दैट रुकावट अब साइंटिस्ट के लिए वैज्ञानिकों के लिए की जो नेक्स्ट ऑबस्टिकल थी अगली रुकावट थी वो ये थी कि सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालने के बाद उसे मार्स के ऑर्बिट में कैसे लॉन्च किया जाए ओके तो अर्थ के ऑर्बिट से तो निकाल देंगे लेकिन मार्स के ऑर्बिट में कैसे लॉन्च किया जाए स्पीड को तो तेज कर दिया ओके okay. लेकिन अब मार्स के ऑर्बिट में उसे कैसे लॉन्च किया जाए इफ द सेटेलाइट वाज टू स्लो इट उड क्रैश इनटू टू मार्स एंड इफ इट वाज टू फास्ट इट वुड मिस द प्लानिट्स ऑर्बिट एंड ड्रिफ्ट ऑफ इंटू स्पेस ओके तो इस्टेंट्स क्या होगा कि यदि सैटेलाइट की जो स्पीड है बहुत धीमी होगी बहुत ज़्यादा स्लो होगी तो वो मार्स के जो प्लैनेट से ही टकरा जाएगी ओके okay, क्रैश कर जाएगी मार्स से ही टकरा जाएगी ओके okay, और अगर स्पीड बहुत ही फास्ट होगी बहुत ही ज़्यादा उसकी गति तेज़ होगी तो यह प्लानट को मिस करते हुए स्पेस में कहीं ड्रिफ्ट हो जाएगी ओके स्टूडेंट्स एयर द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट डैट अपने पथ से भटक जाना अपने पथ अपने रास्ते को छोड़ते हुए किसी और दिशा में चले जाना ओके और अभी अगर ये जो सैटेलाइट है इसकी स्पीड Uh, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी तो ये जो प्लानेट है उसे मिस करते प्लानट के ऑर्बिट को मिस करते हुए ये स्पेस में कहीं ड्रिफ्ट हो जाएगी गायब हो जाएगी क्लियर इट वॉज एज इफ दे हैड टू हिट अ टारगेट फ्रॉम थाउजेंड ऑफ मील्स अवे ओके अगर इसकी जो सेटेलाइट है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो ये स्पेस में कहीं हजारों मीलों तक कहीं गायब हो जाएगी ओके okay? अपनी स्पेस में कहीं ड्रिफ्ट हो जाएगी अपनी मंजिल से भटक जाएगी उस जो है ना मार्स प्लानेट उसे मिस कर देगी क्लियर सो स्टेंड वी हैव रीड एंड एक्सप्लेन समरी ऑफ पेज नंबर एट्टी ऑफ दिस चैप्टर इन मॉमिन ऑर्बिट इन अर टू डेज क्लास एंड स्ट्रेंड्स वी शैल रीड एंड एक्सप्लेन समरी ऑफ नेक्स्ट स्टैंड ऑफ दिस चैप्टर इन मॉमिन ऑर्बिट इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड फ्रेंड्स आई होप यू मस्ट है समरी ऑफ दिस स्पेस नंबर एटी ऑफ दिस चैप्टर इन मॉमिन ऑर्बिट विच वी हैव रीड इन अवर टू डेज क्लास ओके And I hope you have no problem in any standard in any word in these standards of the chapter 9 Mom in Orbit. Okay. So, students, now I am going to describe your class in homework. So, all students listen to my words clearly. Students, today's your classwork is that read and try to find out the summary of this page number 80 of this chapter in Mom in Orbit and send me a voice recording here. And students, today's your homework is that learn word meaning of this chapter in Mom in Orbit from your Fair English Literature Notebook. It's your today's homework. Students, you have to page number 80 कि ये जो स्टैंडर्स है रीड करना है इनकी समरी को फाइंड आउट करने की कोशिश करना है और मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करनी है आपका क्लास वर्क है आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर नाइन मॉम इन ऑर्बिट की वर्ड मीनिंग लर्न है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से ओके सो ऑल दिस फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क रीड एंड ट्राई टू फाइंड आउट द समरी ऑफ दिस पेज नंबर एट्टी ऑफ दिस चैप्टर इन मॉमिन ऑर्बिट एंड सेंड योर वॉइस रिकॉर्डिंग ये थैंक यू